श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरा श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी धर्मामी हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लभते यत्कृपातमहं वन्दे शुक्र दीनदारिणे परमानन्द माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। आदि लीला चैतन्य चरितामृत का आदि लीला अध्याय दो श्लोक संख्या 117 से शील प्रभुपाद की जाए। इसके पहले कैसे चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और कैसे कृष्ण परम भगवान है ये सब साबित किया है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस यह होते कृष्ण लगे सूत्र हमारस। ये सब जो हमने बताया सब तर्क दिया इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चलो सिर्फ सिद्धांत है कोई जरूरी नहीं है। इन्हें सुनने से भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है अनुरक्त होता है मन, इसलिए इसे सुनना आवश्यक है और प्यार से सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवद गीता पढ़ने के बावजूद अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण के विषय में सत्य को समझने में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। यदि आलसवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में अंतिम रूप से नहीं समझ पाता तो उसे भक्ति संप्रदाय के विषय में भ्रांति बनी रहेगी। सही बात है ना। यदि हम कृष्ण को ही नहीं समझेंगे कि कृष्ण भगवान है, इतनी बात अगर हम नहीं समझेंगे तो जो भी भगवान ने बोला है वो सब बेकार हो जाएगा और हमें लगेगा हम दिया जला रहे हैं, हम किसको दिया जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, हम गोवर्धन को मान रहे हैं भगवान और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बार बार दिल जो है वो नास्तिकवाद की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण परम भगवान, फिर उनकी जो बातें हैं वो सब हमको ठीक से समझ में आएगी। हम उनको जब फॉलो करेंगे, हम उनको जब उसका जब पालन करेंगे तो अच्छे ढंग से पालन कर पाएंगे, इसलिए आवश्यक है। ऐसे निर्णायक अध्ययन के द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। मनुष्य इन महिमाओं को जान लेने से ही बलि बनता है और इस उनके अनुराग में स्थिर होता है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। ये कृष्णदास कविराज के हैं। निष्कर्ष यह निकला कि चैतन्य महाप्रभु ब्रजराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं और फिर रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि जो षड गोस्वामी हैं उनकी वंदना करते हैं।
इस प्रकार आपका अध्याय दो समाप्त होता है। कुछ भक्तों को सिर्फ कथा अच्छा लगता है सुनना, कि बस कथा मिले। ज्यादातर भक्तों को कथा ही अच्छा लगता है सुनना, पर यदि भगवान ने सिद्धांत बोला है या तो जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने सिद्धांत लिखा है, इसका अर्थ ये है कि सिद्धांत को जानना आवश्यक है। इसीलिए सिद्धांत को भी सुनिए, और कथा तो बहुत है, मैंने भी बहुत कथाएं बताई हैं और शास्त्रों में तो कथाओं का भरमार लगा है, तो कथाओं के माध्यम से भी सिद्धांत को ही जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसीलिए सिद्धांत को समझिए, और हम अब तीसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, उनके चरण कमलों को उनके शरण जाते जाते हैं और सबकी जय जयकार करते हैं। इसके बाद एक श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आता है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम् हरे ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सच्चिनंदनः। एक नाटक है जिसका नाम है विदग्ध माधव, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित, उसका ही ये श्लोक है। ये श्लोक बता रहा है कि वे प्रभु जो श्रीमती सच्चिनंदन के पुत्र है, सची के पुत्र है, सच्चिनंदन यानी सची माता के पुत्र है, और वो हमारे अंतरतम में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने के द्युति से समुद्भासित होकर इस कलयुग में अपनी अहैतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, जिसे इसके पूर्व कोई अन्य अवतार ने नहीं दिया था। चैतन्य महाप्रभु महाबदान्याय अवतार है, बहुत दयालु, बिना हमारे क्वालिफिकेशन के, बिना हमारे पात्रता के महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते हैं। हमारे गुरु महाराज हम सबको जो चाहता है भगवान के विग्रह को रखना, उनको कहते हैं गौरमिताई का विग्रह रखो, क्योंकि गौरमिताई बहुत दयालु हैं और हमारे गलतियों को क्षमा करेंगे, और दूसरी बात है कि गौरमिताई कृष्ण प्रेम भी देंगे। तो गौरमिताई जो है वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं इस जगत में, जो इसके पहले किसी ने नहीं दिया। अब जैसे राम भगवान आए, राम अवतार हुआ, स्वयं कृष्ण आए और परशुराम, कई अवतार, तो उन लोगों ने कृष्ण प्रेम नहीं दिया, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए नहीं आए थे, वो किसी दूसरे सिद्धांत को स्थापित करने आए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के, इसलिए अभी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान है इस युग में। अनर्पित चरिम चिरात, चिरात यानी बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से, अनर्पितम किसी ने दिया नहीं था, अर्पित करना यानी देना, अनर्पितम, अनर्पित यानी जो दिया जाता है, जो नहीं दिया गया, बहुत लंबे समय से ये नहीं दिया गया था किसी, क्या कृष्ण प्रेम। वही कृष्ण प्रेम को करुणया वतीर्ण कलो इस कलयुग में आते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु करुणा से भरपूर है, अवतरित होते हैं समर्पयितुम, समर्पित करने, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा, ये सबसे उन्नत रस है, उज्ज्वल रस है,
स्वभक्ति श्रियम, भगवान अपने खुद के द्वारा भगवान ये हमें देते हैं। वही सचिदानंद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे हृदय में अवतरित हो, स्थित हो। ठीक है, तो हम इस श्लोक से इतनी बात समझे कि सचिनंदन यानी सची पुत्र, सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, इस जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, जो इसके पहले किसी ने नहीं दिया था। किसी भक्त ने, भक्त तो देते ही हैं, कृष्ण कृष्ण प्रेम तो भक्त ही देंगे, भगवान के अवतार ने नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर के अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में अवतरित नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु भक्त, भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्त है ना, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये सब भक्त है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर, अलग अलग तरीके से भक्त का ही रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान के नाम को देने के लिए, भगवान के प्रेम को देने के लिए अलग अलग रूप धारण करके कलयुग में अवतरित हुए। भक्त ही हमें भक्ति दे सकता है, भक्त ही हमें कृष्ण दे सकता है, इसलिए राधा रानी कृष्ण दे सकती हैं। और राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए वो भी कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण अपने आप को नहीं दे सकते हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं दे सकते हैं, लेकिन सारे भक्त, जो भी कोई भी भक्त है, कृष्ण के भक्त है, वो कृष्ण दे सकते हैं, उनमें क्षमता होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था सनातन गोस्वामी को, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को उतार सकते हो। और गीत भी है, ब्रह्मांड तारीते शक्ति धौरे जौने जौने, ये एक गीत है, बहुत अच्छा भजन है, कभी गाऊंगी। इस भजन में कह रहे हैं कि गौड़ीय जो वैष्णव है, उनमें हर वैष्णव में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते। आपको लग रहा होगा आज माता जी ठीक से लेक्चर नहीं दे रही है, सच बात है, मुझे अपने बारे में बताने के लिए बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि लेक्चर थोड़ी आपको लो में लग रही होगी, लो टोन में, क्योंकि मुझे नींद नहीं हुई है रात को और बहुत दिनों से नहीं हुआ था चेतन चेतन, इसलिए लेकर बुक बैठ गई हूँ। जैसा भी दे रही हूँ सुन लीजिए, थोड़ा ऊट पटांग भी होता है तो भी सुन लीजिए। तो जब जैसे कोई व्यक्ति फालतू बातें करता है ना, कुछ भी प्रजल्पा जिसको कहते हैं, वैसे भक्तों को सिर्फ भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो बोलना तो भगवान के ही बारे में है, तबीयत खराब हो, तबीयत अच्छी हो, नींद हुई हो या नींद नहीं हुई हो। जो मेरे काउंसिलर्स हैं बहुत सालों से, वो जानते हैं मेरे तबीयत को। यदि कोई नए भक्त हो तो उससे, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन इस तथ्य से जो कुछ फायदा हो जाए उसको उठा लीजिए, और कोशिश करूंगी अगला क्लास ठीक से देने की। तो इसीलिए मेरी आवाज भी थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। तो भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए, इसीलिए कृष्ण दे सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए अवतरित हुए, ये सब तथ्य है, और इसके पहले किसी ने नहीं दिया था। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः
सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। ठीक है, तो भगवान को अपने हृदय में बैठा लीजिए, बस यही करना है। अब मैं कैसे भी बोलूं, आप अपने हृदय में सचिनंदन को बैठा लीजिए तो हमारा लेक्चर सफल हो जाएगा। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। वे अपने नित्य धाम गोलोक में, जिसमें ब्रज धाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लूटते हैं। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपने दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। समझिए बात को, अब यहाँ पे कह रहे हैं एक भजन भी, ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुता होइलो सेई, बलराम होइलो नीतान। ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुता होइलो सेई, जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, वही है सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु। भगवान षडैश्वर्य युक्त है और अपने धाम गोलोक धाम गोकुल गोलोक सब एक है। गोलोक कहिए गोकुल कहिए, यहाँ यहाँ गोकुल है वहां गोलोक है। तो वहां षडैश्वर्य से युक्त है और अपने लोक में ऐश्वर्य को भोगते हैं, नित्य लीलाएं होती हैं, जिन्हें अप्रकट अप्रकट लीला भी कहा जाता है। अप्रकट लीला, प्रकट लीला कौन होता है? जो धरती पर होता है उसको प्रकट लीला कहते हैं, जिसमें भगवान दिखाई देते हैं। हर साधारण व्यक्ति को भी भगवान दिखाई देते हैं, पर ये जो अप्रकट लीला है ये सबको दिखाई नहीं देता है। गोलोक धाम में होता है, ये लीलाएं होती हैं, और जो वैसे उन्नत कोटि के भक्त हैं वो देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं सर्वत्र, जब हमारे समक्ष दिखते नहीं है तो उनको कहते हैं अप्रकट लीला। प्रभुपाद देख पाते थे, एक बार प्रभुपाद हंस रहे थे अपने शिष्यों के सामने, शिष्य बोले प्रभुपाद क्यों आप हंस रहे हैं, आंखें बंद थी शायद उनकी। तो प्रभुपाद ने कहा मैं देख रहा हूँ कृष्ण के टिफिन बॉक्स में क्या है। तो आप क्या समझते हैं इस बात से कि प्रभुपाद भगवान के साथ जैसे गोप बालक खेलते जैसे गोप बालक खेलते थे उसी तरह प्रभुपाद भगवान के साथ खेल रहे होंगे। और भगवान जब दोपहर में गैया चराने के बाद थक जाते थे तो सबकी माताएं पोटली में कुछ 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 देती थी। टिफिन बॉक्स तो नहीं होता था, पोटली होता था, तब कपड़े का पोटली उसमें बांध करके, तो सब एक साथ बैठ करके ग्रहण करते थे। आप फोटो देखे होंगे, छीना झपटी भी करते थे। तो प्रभुपाद वैसा ही कुछ सीन देख रहे होंगे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं देख रहा हूँ कृष्ण के टिफिन बॉक्स में क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। कौन भगवान? कृष्ण। तो आप सोच रहे होंगे द्वापर तो हर बार होता है, आपको पता है ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार द्वापर होता है? 1000 बार, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग घूमता है। चतुर्युग किसे कहते हैं? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग, चारों को जोड़ दिया क्या हो गया? चतुर्युग। ये 4 का एक साइकिल होता है। सत्य युग से शुरू होगा, सत्य के बाद, वास्तव में सत्य के बाद द्वापर होता है। वास्तव में इस बार हो गया है, उलट गया है, सत्य के बाद त्रेता आ गया है, नहीं तो सत्य के बाद द्वापर आता है और उसके बाद त्रेता, उसके बाद कलयुग। तो इस बार पलटी खाया है, पलटी खाने के चलते सत्ययुग के बाद आ गया है त्रेता,
द्वापर बाद में आया है। तो जो भी हो, तो द्वापर ये चार होता है और फिर बाद में कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। ऐसा साइकिल चलता है, कितने कितने साल का होता है, 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर। नीचे से शुरू किया है मैंने, क्योंकि अब इतना तो दिमाग में ये गणना नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको समझा रही हूँ। 4,32,000 का ये जो समय चल रहा है कलयुग, इसका दोगुना 8,64,000 का साल, जो साल हमारा है वो होगा द्वापर, और 3 गुना 12,96,000 साल का त्रेता, 12,96,000 साल जो हमारा साल है ना, अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से त्रेता, और 17,00,000 कुछ है, कितना है वो आप गिन सकते हैं, 4 गुना तो 4,32,000 का 4 गुना तो 17,28,000 या कुछ जो भी होता है, मेरे दिमाग में है नहीं डेटा, तो इसका होता है सत्ययुग। ये सबको जोड़ दीजिएगा चारों को, तो 4,32,000 4,32,000 जो होता है ना वही डेटा है, और उसके बाद बहुत सारा जीरो है, तो आप गिनती कर लीजिएगा कितना जीरो लगेगा। और ये होता है चतुर्युग, और ये चतुर्युग जब 1,000 बार घूमता है साइकिल, एक सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे 1,000 बार, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, यानी कि दिन, और दिन जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी सोते हैं, पूर्ण प्रलय रहता है उस समय, फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, और एक दिन में आप जोड़ेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 1 महीना, जैसे हमारा 365 दिन होता है वैसे आप 365 कर लीजिए, तो 1 साल, और वैसे करके 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो ब्रह्मा जी की उम्र अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, डेटा मैंने जितना बता दिया उसमें बस मल्टीप्लाई करते जाए। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन हुआ जिसमें 1,000 चतुर्युग बीतता है, तो ब्रह्मा जी सॉरी तो 1,000 चतुर्युग यानी कि 1,000 द्वापर बीत गया, ठीक है ना, द्वापर 4,000 बार आएगा, हर चतुर्युग में द्वापर, तो हर द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि सोच रहे होंगे यहाँ क्यों लिखा है कि ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं, क्योंकि जो गोलोक धाम है वहां से जो पूर्ण भगवान आश्रय तत्व कृष्ण जो है, सबके स्रोत जो है, वो एक ही बार आते हैं, बाकी जो कृष्ण आते हैं वो शिव दक्षिणा विष्णु के अवतार होते हैं। अब देखिए जो मैंने बताया वो चीज यहां भी लिखा है, मैं आपको फास्ट पढ़ के सुना देती हूँ। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चारी युग जानी, सही चारी युग दिव्य एक युग मानी। उस 4 युग को मिला के उसे एक दिव्य युग कहा जाता है, जिसको मैं चतुर्युग बोल रही हूँ उसका एक और नाम है दिव्य युग, और 71 दिव्य युग मिलकर के एक मनवंतर हुआ। एक बात और बताना आपको भूल गई मैं, कि 1,000 बार जब चतुर्युग घूमता है जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस पर शासन करने के लिए 14 मनु होते हैं, ठीक है, 1,000 दिन ब्रह्मा जी का 1,000 दिन, जिसमें यहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, उसी तरह अलग अलग देशों के अलग अलग प्रेसिडेंट हैं,
देश को चलाने के लिए, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए होते हैं एक व्यक्ति जिसको कहा जाता है मनु। ठीक है, तो वो मनु भी राजा ही है, हमारे सामने यहाँ दिख नहीं रहे अभी। मनु कौन है? वैवस्वत मनु, सूर्य देवता के पुत्र विवास्वान जो है, सूर्य देवता का नाम है विवास्वान। ये जो ऊपर आकाश में सूर्य देवता दिखाई देते हैं, वहां एक राजा है सूर्य देवता। सूर्य देवता सिर्फ सूरज का गोला नहीं है, उसके अंदर राजा बैठे हैं और वो राजा का नाम है विवास्वान। ग्वालियर में मैं एक मंदिर में गई थी, सूर्य मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है वहां। उस मंदिर का नाम है विवास्वान मंदिर। उनके पुत्र हुए जिनको वैवस्वत कहते हैं, क्योंकि विवास्वान के पुत्र हैं। उनका नाम भी कुछ है, नाम भूल गई मैं। तो वो मनु अभी मनु बने हुए। मनु एक पोस्ट होता है, मनु जो है ना वो एक गद्दा है, गद्दी। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक गद्दी होता है, एक स्थान होता है जिस पे पद होता है, जहाँ पे बैठ के शासन किया जाता है, वैसे मनु भी एक पद है। तो मनु बदलते रहते हैं, चाक्षुष मनी, सावर्णी मनी, मनु चाक्षुष मनु, सावर्णी मनु, श्रद्धा या ऐसा कुछ है, श्राद्ध कुछ ऐसा मनु, ऐसे अलग 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 नाम है मनुओं के, वैवस्वत मनु। तो 71 चतुर्युग तक, 71 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, क्योंकि 1000 चतुर्युग में यदि आप 14 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक व्यक्ति का समय होगा, एक मनु का समय होगा 71 पॉइंट समथिंग। तो 71 चतुर्युग तक एक मनु शासन करते हैं, उनकी आयु भी कितनी हो गई आप सोच सकते हैं। तो उसे कहते हैं एक मनवंतर, एक मनवंतर। 71 दिव्य युग एक मनवंतर कहलाता है, और ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है, 14 मनवंतर, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाय 14। तो ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के तुल्य है, इतनी बड़ी रात्रि होती है। और ये सारा जो सिद्धांत है आपको असत्य शायद लग रहा होगा, ये एक पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत नाम का एक पुस्तक है, ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र जैसे होता है वैसे ज्योतिर्विज्ञान। और इसका संग्रह किया ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त। ये कौन थे? विमल प्रसाद तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र का नाम है, सरस्वती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, उनका पहले का नाम विमल प्रसाद। हाँ, ये वही है। इसी बुक को लिखने के बाद उनका नाम पढ़ा सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत उन्होंने लिखा, इसलिए उनका नाम पढ़ा सिद्धांत सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती। उनको पदवी दिया गया, और जब दीक्षा लिया तो फिर उनका नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। तो वैवस्वत नाम का जो मनु है वो 7वां नंबर मनु है, और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है जिसमें 14 मनवंतर होते हैं, उसमें करीब करीब आधा दिन ब्रह्मा जी का बीत गया है। ये वाला जो दिन है इसका आधा दिन बीत गया है, 7वां मनु अभी चल रहे हैं। अगर आपको 7 मनुओं के अभी उनकी आयु क्या है, अभी उनकी आयु है 27 दिव्य युग। सच बात है, 27 दिव्य युग, क्योंकि 28वां चतुर्युग चल रहा है, 27 पूरा हो गया। 28वां चतुर्युग में जो द्वापर आता है उसमें भगवान कृष्ण आते हैं गोलोक धाम से। तो
27 चतुर्युग बीत चुका है, दिव्य युग बीत चुका है और अभी 28वां चल रहा है। 14 मनुओं के नाम जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। स्वयंभू मनु का नाम आपने सुना होगा, श्रीमद्भागवतम में वर्णन आता है। स्वयंभू मनु पहले मनु है, ये फर्स्ट मनु। उसके बाद स्वरुचि, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र, पुत्र सावर्णी, रौच्य, देव सावर्णी, भौत्यक या इंद्र सावर्णी, ये सारे मनुओं के नाम हो गए। 28वां जो दिव्य चतुर्युग होता है उसमें जो द्वापर युग आता है उसमें भगवान कृष्ण आते हैं अपने नित्य धाम से पूरे साज सामग्री के साथ, अर्थात गोवर्धन पर्वत को लेके, गोलोक धाम को लेके, सबको लेके आते हैं। अभी इसमें बहुत लंबा है डिटेल जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब समय आएगा तो बताऊंगी। डिटेल है कितना कितना दिन, लंबाई चौड़ाई, साल वगैरह लिखा हुआ है, 0000 बहुत सारा। मर्जी हो तो पढ़ लीजिए, चेतन चेतामृत का बुक है। तो दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चार प्रकार के रस होते हैं। एक क्या है, शांत है, वो रस की गिनती में नहीं है। शांत में तो कोई कुछ करता नहीं, इसलिए शांत उसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार यानी माधुरी, चार रस। चारी भावेर भक्त जोतो कृष्ण तार वश। जो भक्त ये चार रस में रहते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। अर्थात किसी न किसी रस में भगवान के साथ जुड़ना होता है। हमारा जो भाव होता है उसके अनुसार हम उस रस की तरफ झुक जाते हैं। शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है यहाँ पर, तो हमको हम भी शांत रस बहुत उसके बारे में लिखे हैं प्रभुपाद यहाँ। ये फिलोसोफर्स जो होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, उनके लिए ये रस है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि ज्यों ही ज्ञाता और ये में थोड़ा परिचय होता है तो सक्रिय प्रेम पूर्ण आदान प्रदान शुरू होता है। सही बात है, हम जब तक किसी को नहीं जानते हैं तब तक हम उसके प्रति क्या रहते हैं, शांत। हम किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ 100 पीपल, 100 लोग बैठे हुए हैं, या 50 बैठे हैं, या 15 बैठे हैं, जैसा भी, तो हम किसी के जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ बस हेलो हाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं बात करते हैं। पर यदि किसी से थोड़ी घनिष्ठता हो गई, उसके बगल में बैठ गया और दोनों मिलके थोड़ी बातचीत हमने कर लिया, फिर हमें कुछ पता ठिकाना भी मालूम पड़ गया कि ये कौन है, इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, किसका बेटा है, किसका पोता है, कुछ जान गए उसके बारे में, तो फिर हम बोलते हैं हम आपके लिए भी लेकर आए क्या प्रसादम की थाली, आप चाय लेंगे क्या, आप कॉफी लेंगे क्या, जो जो खाता पीता है। क्योंकि अब जैसे ही हम उसके नजदीक जाते हैं हम सेवा शुरू कर देते हैं। जब तक हम कुछ नहीं जानते हैं तब तक हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे कुछ जानकारी मिलती है सेवा शुरू हो जाती है। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे सेवा शुरू हो जाती है वो दास्य रस में पहुंच जाता है व्यक्ति। इसीलिए शांत रस में होना कोई अच्छी बात नहीं है। जब भगवान के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा तभी हम शांत रस में रहें, शांत शांत रस तो रस है ही नहीं। क्या रस है उसमें, क्या रस है? परम सत्य को अपूर्व मानता है, और कुछ परम सत्य की खोज कर रहा है। परम सत्य कैसे दिखते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर आप जानेंगे तो कृष्ण को कुछ मन करेगा अर्पित करने का, कुछ उनकी सेवा करने का।
तो ये सब भाव नहीं रहता है, इसलिए शांत रस की वृद्धि नहीं हुई। दास सखा पिता माता कांता गण लोहिया ब्रजे क्रीड़ा कौरे कृष्ण प्रेमानिष्ट हुईया। तो कृष्ण क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आ गया। आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे माता जी चैतन्य चरितामृत में बहुत बोरिंग 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 लेक्चर दे रही हैं, तो अभी लेक्चर बोरिंग नहीं होगा, रस शुरू हो गया। कृष्ण क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं शुरू हो गया। दास सखा पिता माता कांता गण, यानी दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये चार रसों में कृष्ण ब्रज मंडल में क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, और अपने सेवकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने अपनी जो गोपियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, उनके साथ आनंद भोग करते हैं। ठीक है, जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण दिव्य लीलाओं को भोगते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे सोचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग अभी चलेगा आपका चैतन्य चरितामृत। अंतर्धान हो जाते हैं यानी भगवान आए और भगवान अब अप्रकट हो गए, गोलोक धाम से आए और वापस गोलोक धाम चले गए। जब वो गोलोक धाम चले जाते हैं फिर सोचते हैं, चिरकाल दाही कोरी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरे नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं किया, ऐसी प्रेमा भक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो भगवान वहां जाकर सोचते हैं, गोलोक धाम जाकर के, अरे मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों को प्रेम भक्ति दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कि प्रेम भक्ति होता क्या है, तो फिर क्या होगा, कैसे ये लोग प्रेम भक्ति सीखेंगे करना, कैसे जानेंगे करना। मुझे लगता है आज का क्लास तो नहीं रुकेगा। तो भगवान आते हैं प्रेम भक्ति देने के लिए, क्यों आते हैं ये आपने बैकग्राउंड सुना, अगले क्लास में इसको हम थोड़ा, अब तो इंटरेस्टिंग ही होगा क्लास, अगले क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। हरे